हेलो दोस्तों, मैं परवेज क्लिक ऑन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा सऊदी अरब का जो तवील अलराजी बैंक है, इस बैंक का जो एक मनी ट्रांसफ़र करने का जो एक एटीएम कार्ड मिलता है जिसका नाम है ई रीमेंटेंस। इस कार्ड के थ्रू आप इंटरनेशनल ट्रांसफ़र इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इस कंट्री में आप आसानी से 2 मिनट में कैसे आप बैलेंस को अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपना सेविंग्स अकाउंट में, मैं आपको बताऊंगा। और एक व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट भी किया है जो ये रीमेंटेनेंस कार्ड के थ्रू आप कैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कैसे बैलेंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसके बारे में पूछा है। तो भाई, इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा और बैंक में भी लेके जाऊँगा और अपना कैश डाल के भी दिखाऊँगा कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, कैसे आपको ट्रांजैक्शन करना है। YouTube में आपको बहुत सारा का वीडियो मिल जाएगा लेकिन कोई आदमी आपको कैश लेके आपको नहीं दिखाएगा। मैं खुद बैंक में गया, उधर मैं खुद कैश डाला हूँ, जितना हम रियल छोड़ना चाहते हो अपना घर में, मैं खुद डाल के ये वीडियो बनाया है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल को भी दबाइए ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो छोटा सा इन्फॉर्मेशन इस कार्ड के बारे में मैं शेयर कर लेता हूँ। ये जो कार्ड है दोस्तों, आप मिनिमम 300 रियल आप छोड़ सकते हैं, मैक्सिमम 4,000-5,000 एक ही बार में आप छोड़ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और इसको यूज़ करने का फ़ायदा भी है, आपको इंडिया बांग्लादेश के लिए जो लेता है 19 रियल आप सेविंग्स अकाउंट में छोड़ेगा तो 19 रियल लेते हैं काउंटर से छोड़ने के लिए, लेकिन एटीएम मशीन से छोड़ेगा तो 16 रियल लगता है। तो इसमें आपका फ़ायदा भी है यूज़ करने का। तो जिसके पास है इस तरह का एटीएम कार्ड आप आसानी से छोड़ सकते हैं, और जिसके पास नहीं है तो आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार तवील अलराजी का बैंक का जो काउंटर है उधर जाके बोलना हमको एटीएम कार्ड बनवाना है जो एटीएम मशीन से पैसा छोड़ता है वो वाला कार्ड, तो बोलेगा तो आपको बनवा के देगा, आपका जो एक कामा लेगा डिटेल्स लेगा तो आपको बनवा के देगा। अभी फ़िलहाल जो है 50 रियल ले रहा है ये कार्ड बनवाने के लिए, पहले तो 20 रियल लेता था हम, बहुत पुराना ये कार्ड है मेरा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे आप इसके ज़रिए आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अलराजी बैंक में, इधर आपको आपका जो एटीएम है वो इनपुट करना है, उसके बाद आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ेगा जो इस भाषा में आप प्रभावित है। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद आपका जो पिन है वो इंटर करना पड़ेगा जो एटीएम का पिन है। उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरा बैलेंस इंक्वायरी पे जा रहा हूँ। तो मेरा जो बैलेंस आप देख सकते हैं 41 रियल है। अब मैं मेरा जो बैलेंस अब डिपॉजिट करूँगा, कैसे करना है देख लेना। आधार वाला ऑप्शन पर जाना, उधर आके कैश डिपॉजिट पर अब जाना। कैश डिपॉजिट में इधर एक नोटिस बोर्ड दिखा रहा है, एक उंडे खुल जाएगा अब दिख रहा है। इधर आप 5 रियाल, 10 रियाल और 1 रियाल नहीं डाल सकते, ये जो नोटिस दिखा रहा है इसमें बोल रहा है। तो मैंने डाल दिया 2750 रियाल। अब ये प्रोसेस हो रहा है, जो नोट है गिनती हो रहा है सही डला है कि गलत डला है, ये प्रोसेस में आएगा। तो मैं जो बैलेंस डाला है वही सही दिख रहा है, अगर इसमें गलती दिखेगा कोई कमी दिखेगा तो रिफंड करेगा तो वापस कर देगा। तो मैं डिपॉजिट कर दिया, तो मोबाइल पे मैसेज भी आ चुका है और नया बैलेंस जो है 2791 रियाल। तो इधर आपको ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन पे जाना है और इंटरनेशनल ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका अकाउंट पूरा दिख जाएगा, तीनों अकाउंट में सेट करके रखा हो। तो लास्ट वाला ऑप्शन मेरा जो है ये फादर का अकाउंट है, रहीम शेख नाम का है। तो उसमें जो आप करेंसी भेजेगा SRA ये वाला सेलेक्ट कर लेना जो सऊदी का रियल भेज रहा है आप। तो अब अमाउंट डाल लेना कितना आप रियल भेजेगा, तो मैं 2750 रियल भेजूँगा। तो अब लगा लिया 2750 और इसको कन्फर्म किया और इसको पर्सनल फैमिली पर टच कर लेना। और ये जो पूरा डिटेल्स आपको दिख रहा है कितना बनेगा इंडिया का और कितना आप छोड़ रहा है ये, और अकाउंट पूरा डिटेल्स दिखाएगा। तो आप सही लगे तो कंफर्म कर देना, कंफर्म करते ही आपका ट्रांजैक्शन जो है पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट दिखा रहा है। तो
और स्लिप भी निकाल चुका है, जो रिसीव है वो भी निकाल चुका है, आप देख सकते हैं।